समाचार विस्तार से। देश में पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही मूल्य वृद्धि से मध्यम और गरीब वर्ग पर बड़ी आर्थिक मार पड़ रही है। फ्री गैस कनेक्शन मिलने के बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों से घबराकर गृहणियां परंपरागत लकड़ी के चूल्हों को फिर से अपनाने को मजबूर दिखाई दे रही हैं। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ ही अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें भी अब आसमान छूने लगी हैं। कुछ दिनों में घरेलू गैस के दामों में भी भारी उछाल आया है। पिछले एक पखवाड़े में दो बार घरेलू गैस के दामों में इजाफा किया गया है, जो अब लोगों की घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। मूल्य वृद्धि से लोगों की जेब और अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ने लगा है। हमारे विशेष संवाददाता नितेश दसौंधी ने गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर गृहणियों से बातचीत कर पड़ रहे आर्थिक बोझ को जानने का प्रयास किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ अब गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ने लगे, जिससे अब लोगों के जेबों के साथ घरेलू खर्चे पर भी असर पड़ने लगा है। फरवरी माह की शुरुआत से अब तक लगभग 75 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आइए हम बात करते हैं गृहणियों से, इनका क्या कहना है, लगातार गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, सरकार के द्वारा रोज आए दिन भाव बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। या तो सरकार एक फिक्स दाम करे या और कुछ भी करे, लेकिन हम गृहणियों को बहुत दिक्कत होती है। रोज खाना बनाने में हमको गैस का बहुत खर्च होता है। बार बार बढ़ने से भाव, एक या तो फिक्स सरकार भाव करे या कम करे या GST में ले, यही हमारी खास मांग है। हम आए दिन गैस सिलेंडरों के भाव बढ़ने से हमारे परिवार में बहुत दिक्कत होती है। पहले साग सब्जी के और अब गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। कोरोना काल के चलते हुए मेरे हस्बैंड 10-11 महीने से घर पर है, जिसके कारण वो बेरोजगार है और मैं गृहिणी हूँ तो सिलाई करके अपना घर चला रही हूँ, पर अब बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार अब हम लोगों के लिए कुछ करे, मैं चीज़ों के दाम कम करे, नहीं तो हमें गैस सिलेंडर की जगह लकड़ी के चूल्हों पर आना पड़ेगा। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, पहले सब्जी भाजी और अब तो गैस सिलेंडर के भी भाव बढ़ गए हैं। पहले महिलाओं को सब्सिडी मिल जाती थी, जिससे महिलाओं को 2 पैसे की बचत हो जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिलते। और एकदम से इतने रुपए बढ़ जाना गैस सिलेंडर के, बहुत सीधे मध्यम वर्गीय लोगों के रसोई पर असर हुआ है। तो सरकार को इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। इतने भाव गैस सिलेंडर के बढ़ जाएंगे तो एक आम गृहिणी रसोई कैसे चलाएगी। देश में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। पेट्रोल के दामों में इस बेतहाशा वृद्धि के कारण लोगों को अब घरेलू गैस भी महंगे दामों में मिल रही है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को इस महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2 बार बड़ा झटका दिया है। पहले 4 फरवरी को इंडेन HP के गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े। इसके बाद 15 फरवरी को सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी की गई। इस तरह फरवरी माह में गैस पर कुल 75 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई है। बता दें कि जनवरी में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 694 रुपए थी, जो अब बढ़कर 769 रुपए हो गई है। महंगाई के इस दौर में गैस जैसी घरेलू आवश्यक वस्तु के दामों में बढ़ोतरी का प्रभाव आम लोगों के घरेलू खर्च पर भी पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। गौर करने की बात है कि गांवों में अधिकतर कनेक्शन धारी उज्ज्वला योजना के हैं। यह कनेक्शन उन्हें सरकारी मदद के तहत दिए गए हैं। एक जानकारी के अनुसार पिछले महीनों में गैस की बढ़ती कीमतों के कारण उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की गैस रिफिलिंग की संख्या में भारी कमी आई है। आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हैं और रिफिलिंग कराने वालों की संख्या महज अब 20% रह गई है। इन आंकड़े से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई ने मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों की कमर तोड़ रखी है। गैस की बढ़ती कीमतों पर यदि समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो लोगों का परंपरागत ईंधन की दिशा में लगाव बढ़ सकता है। पहले चूल्हो बाढ़ता था, चूल्हो बाढ़े बाढ़े डोरा फूटेगा, फिर सरकार ने गैस दियो सरकार ना, अब गैस पर करियो, अब भाव बढ़े दियो टंकिनों को, अब पैसा कहाँ से लावा, अब पछे चूल्हो बाड़ांगा, लकड़ी लावांगा, मोल लेवांगा। लॉकडाउन के बाद हर वर्ग के लोगों के सामने पहले से ही आर्थिक संकट मंडरा रहा है। जैसे तैसे उनकी घरेलू व्यवस्थाएं चल रही हैं,
ऐसे में घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा होना घरेलू अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द विचार कर राहत देना चाहिए। डिजियाना न्यूज निमाड़, विशेष संवाददाता नितेश दसोंदी की रिपोर्ट।